जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी परसेंट बनाना चाहते हो तो आपको एक एक दो दो नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही ऐसे नंबर हैं जिनमें आप थोड़ा लिख करके, यही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आप थोड़ा लिख करके पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हो, क्योंकि इनमें आपको कुछ ऐड करना नहीं होता है, जितना है उतना लिख देते हो, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण रस। ये दो नंबर के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे रस के बारे में बता दूंगा जिनको आप याद कर लोगे तो आपके दो नंबर बोर्ड परीक्षा बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज में कम से कम 0.5 का इजाफा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो हमने इसके लिए एक सुपर ग्रुप बनाया है। देखिए, बोर्ड परीक्षा अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का। तो हमने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पिकअप किया है और उन क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस की एक बुक तैयार की है आपके लिए, जिसकी प्राइस हमने मात्र 200 रुपये रखा है। आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन हम आपको वो बुक दे देंगे। उस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो आप हमें पेमेंट पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, गूगल पे इन दिए हुए नंबर्स पर कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर दोगे तो हम आपको बुक आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे और आपको नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रस की। तो यहाँ पर मैं आपको दो महत्वपूर्ण रस बताऊँगा, एक करुणा रस और दूसरा है हास्य रस। ये दोनों ही रस बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे, दोनों में से एक आपको रस 100% मिल जाएगा, तो दोनों को याद कर लेना। इसकी PDF फाइल चाहिए तो वो भी मैं उस सुपर ग्रुप में डाल दूँगा। तो देखिए, करुणा रस क्या होता है? बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस का मतलब होता है शोक, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ये आपको जरूर लिखना है, नहीं तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। कोई भी रस लिखते हो तो उसका स्थायी भाव लिखो। तो करुण रस इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसका मतलब ये है करुण रस का, यहाँ पर आपको दुख होगा, जहाँ पर दुख उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा और इसका स्थायी भाव होगा शोक होगा। उसके बाद आपको उदाहरण लिखना है, तो इसका उदाहरण जरूर लिखना है, कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इतना भी लिख दोगे चलेगा। फ्रेंड, इसके बाद आता है हास्य रस। हास्य रस देखते ही आपको हंसी उत्पन्न हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यानी वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर जहाँ पर हंसी उत्पन्न होती है वहाँ पर हास्य रस उत्पन्न होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये आपको जरूर लिखना है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव हास होता है। ये वाली लाइन जरूर लिखनी है, क्योंकि एक नंबर अगर आपकी डेफिनेशन का है तो उसमें आधा नंबर इसका जरूर रहेगा स्थायी भाव का, और एक नंबर आपके एग्जाम्पल का रहेगा। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है, बिंद के वासी उदासी तपोवृद्धारी महाविन नार दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनवे मुन वृंद सुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, और कीनी बलि रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारे। तो ये इसका एग्जाम्पल है, मेरे को याद है, आप भी याद कर लेना। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपरों कन्फर्म हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चले लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।